इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लोरीसेंस क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आइए समझते हैं, यह है ग्राउंड स्टेट और यह है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। बेसिकली स्टेट टू टाइप्स की होती हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंगलेट स्टेट की। जब भी कोई मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो एक्साइटेड स्टेट पर मॉलिक्यूल्स का लाइफ टाइम होता है 10^-8 सेकेंड, यानी कि इस टाइम के बाद में मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस से ट्रांजिशन करता है। और जब भी कोई मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट करता है उसी रेडिएशन को हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। एक बार रिपीट करूँगा, जब भी कोई मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है, ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो यहाँ पर जो रेडिएशन एमिट करता है उसी रेडिएशन को हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस की खूबी ये होती है कि इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, इसलिए सोर्स के बंद होते ही फ्लोरिसेंस रेडिएशन बंद हो